कैसी हो शबनम? बचाओ! अरे पागल हो गई है! मुझे मत मारो। लेकिन सच यही है कि कुछ गड़बड़ है। There is something not right. बचाओ! मुझे मत मारो। शबनम, पागल हूँ। क्यों? कफूर? आ! शबनम। अरे दीदी, तो तुम गलत समझ रही हो। ये लड़की बहुत ही शातिर है, नागिन है ये लड़की। ये कहा था ना, मेरी खानदान से दूर रहना। समझ आया नहीं था तुम्हें पहली बार? अब जाओ सड़ो जेल में। लाख कोशिश कर लेना, जिंदगी भर वहीं सड़ोगे, बाहर नहीं निकल पाओगे। सिद्धार्थ, कोशिश करो। पुलिस आइए, सही टाइम पर आइए, ये आपका कल्प्रिट। मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो दीदी, मेरी पापा बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ बहुत ही खतरनाक है। तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो उसके ऊपर भरोसा करके। शबनम रिलैक्स, डॉक्टर आ गया। वो दिखती भोली है पर वो भोली नहीं है। जब मैं उससे पहली दफा मिला था तो डीडी से बदला लेने के लिए मरी जा रही। कहती थी कि उससे मुझे अपने अम्मी और अबू का इंतकाम लेना है। मैंने कहा चलो ठीक है, एक से भले दो, जो भी डीडी के दुश्मन हैं वो मेरे दोस्त। मैंने उसे पनाह दिया पर उस कमीनी ने मेरे पीठ में खंजर भोंक दिया। इन दिनों जो भी तुम्हारे साथ या तुम्हारे परिवार के साथ हादसा हुआ है, उसे मैंने और शबनम दोनों मिलकर अंजाम दिए हैं। ये सच है सेठ कि मैं डीडी को तबाह कर देना चाहता था, पर उसकी बेटी से क्या मतलब है मेरा? मेरी लड़ाई तो डीडी से है, पर रोशनी पर इन दिनों जो भी हमले हुए, चाहे वो पार्टी में या उसे करंट लगने का, इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड वो कमीनी है। शबनम, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था। मैंने बहुत तकलीफ दी तुमको, शक किया तुम पे। आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं जीजू, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। मैंने काम ही ऐसे किए हैं, पर मैं दिल से किसी का बुरा नहीं चाहती थी। भैया, आई एम तो वेरी वेरी एक्साइटेड। मैं तो बहुत खुश हूँ, फाइनली हमें खुश है। क्यों हो गया? खुश है बहुत। अच्छा बच्चों, ऐसी शैतानियां करेगा आप? तानी, मैंने कौन सी शैतानी कर दी? अच्छा, कौन सी शैतानी? अब मेरी बहू रानी को करवा चौथ से पहले उड़न छू कर रहा है, ये शैतानी नहीं हुई क्या? अरे वो तो अच्छा है शबनम ने मुझे फोन पर बता दिया कि तुम दोनों बाहर जा रहे हो, वरना ये दोनों तो उड़न छू हो जाते। मिसेस खुराना ने भिजवाई है। वाह, ये सब जीजू के घर से आया है। रोशनी दीदी के लिए। वैसे मुझे भी मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है। तभी तो कह रही हूँ लगवा ले। लाओ, इसे मैं अंदर रख देती हूँ, आप जाओ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम क्यों रखोगी? तुम मेरी साली साहिबा हो, इस घर की बेटी हो, ये मेहनत मेहनत करना तुम्हें शोभा नहीं देता। ये तो शंभू, शंभू सुनो, ये रखाओ जाके कमरे में। तुम आराम करो, जस्ट रेस्ट, एंजॉय योरसेल्फ। ये जो तैयारियां हो रही है उनका लुत्फ उठाओ जैसे रोशनी उठा रही है ना। वैसे भी व्रत रखना है तुम्हें।